अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। गोला कबाब एक बहुत टेस्टी कबाब बनता है, बिल्कुल अलग तरीके से, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। चाहे आप ऐसे चाय के साथ खाएं या खाने के साथ खाएं, ये हर तरीके से बहुत ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कैसा बना। तो चलिए आपको इसके इंग्रीडियंट बता दें। मटन का कीमा लिया है हाफ के जी, इसको अच्छे से धो वॉश कर लिया है। एक अंडा, थोड़ी सी तली प्याज, नींबू का रस, कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, ये जीरा और मिर्च का भुना हुआ पाउडर है, ये नमक, ये एक प्याज, थोड़ी सी हमने चीज ली है। चीज डालने से बहुत ही जूसी बनता है कबाब। अगर आपके पास हो चीज तो डाले, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक से डेढ़ स्पून बेसन है और ये एक स्पून कॉर्न स्टार्च। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडर में कीमा डालेंगे। बेसन, कॉर्न स्टार्च, अंडा, तली प्याज, नींबू का रस, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ये जीरा और मिर्चा भुना हुआ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये चीज है। ग्राइंड हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है कीमा। इसको एक बार अच्छे से हाथ से भी मिक्स कर लें। अब इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं, नमक बिल्कुल सही है। अब हम एक स्ट्रॉ लेते हैं, उस पे हल्का सा तेल लगाते हैं ताकि कबाब निकालने में हमको आसानी रहे, चिपके ना कबाब। अब हम कबाब बनाते हैं। और हमको कबाब में भी स्मोक फ्लेवर देना है तो इसलिए एक कोयला जलाते हैं। ये एल्युमिनियम फाइल को हमें बीच में रख देना है ऐसे। कोयला हमारा जल गया है, अब इसको ऐसे बीच में रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के स्मोक के लिए ऐसे बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट ऐसे बंद रहेगा, इसमें बहुत अच्छा स्मोक फ्लेवर आ जाएगा। और हमारा कबाब सर्व करने के लिए रेडी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा रहा।